सब्सक्राइब कीजिए रेवन राइट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले मोटो वीडियोस देखने के लिए। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीक मैंने रिव्यू किया था और साथ ही साथ ओनरशिप रिव्यू लिया था RTR 160 जो कि एक मॉडिफाइड रेस एडिशन थी। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से एक रॉयल इनफील्ड क्लासिक बुलेट जो कि अगेन एक मॉडिफाइड वर्जन है उसका एक ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ और जानेंगे इस बाइक में क्या क्या चेंजेस हमारे प्राउड ओनर ने किया है और साथ ही साथ इस बाइक का एक क्लोजअप लुक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बुलाते हैं अपने प्राउड ओनर मिस्टर ज़हीर। सो प्लीज वेलकम मिस्टर ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़हीर भाई, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं आपके बाइक का और एक ओनरशिप रिव्यू आपसे चाहेंगे कि आप एक अनबायस रिव्यू देंगे हमारे व्यूवर्स को देखने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जो मेरा इस सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन होता है तो वो ये है कि यही बाइक आपने क्यों परचेस करी? देखिए, ये बाइक परचेस करने का जो मेन रीज़न होता है, आप किसी भी बुलेट ओनर से अगर पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि इसके ऊपर कोई बाइक नहीं है। अच्छा। ये लेने के बाद फिर आदमी कुछ और नीचे की तरफ मतलब कुछ उसको जाने का दिल ही नहीं करेगा। मैं कह सकता हूँ कि एक फैन बॉय टाइप की थिंग। जी जी हाँ, जिसने एक बार मतलब बुलेट चला लिया ना तो उसके बाद उसको फिर उसका बुलेट का ही क्रेज हो जाएगा कि उसको बुलेट ही चलाना है। उसके बाद अगर वो 220 हो या एनी मोर कोई भी बाइक भी अगर वो पकड़ेगा ना तो उसे एक मतलब वेट के हिसाब से भी और एक फीलिंग जो है वो रॉयल्टी फीलिंग नहीं आती है। बुलेट चलाने से आपको लगेगा कि अब एक रॉयल्टी फीलिंग आ रही है आपको। बिल्कुल सही बात है, बुलेट का जो है रॉयल इनफील्ड और एक रॉयल्टी वाली बात आती है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये बाइक कितने की पड़ी थी आपको? देखिए, जैसा कि ये बाइक की मेरी जो है कुछ एक आध महीने बाद 5 साल हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो उस वक्त जो है कुछ दाम कम था और इतना क्रेज़ भी नहीं था बुलेट का, मतलब जैसे अभी बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया कि सब बुलेट ही ले रहे हैं। तो उस वक्त मतलब वो स्टार्टिंग था, बुलेट जो है आया था, नया चल रहा था, मतलब नया मतलब क्या, वो आपके जब मॉडिफाई होके जो न्यू वेरियंट जो आया था तो उसी वक्त मैंने लिया था। तो मैं मुझे पड़ी थी 1,43,000। 5 साल पहले की बात है। अच्छी बात है। तो मतलब जैसा कि जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो तो आपने क्लियर कर ही दिया कि ऑलमोस्ट कुछ महीने बाद 5 साल हो जाएगी। जी जी हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा ये है कि आपने इस बाइक के साथ सर्विस का जो मामला है वो कैसा आपने फेस करा? सर्विस का मामला ऐसा है कि अगर आप पहले जो साल था, पहले साल में 3 सर्विस फ्री होती है, तो उसमें अगर आप सर्विस करा रहे हैं तो लेबर चार्जेस वगैरह वो सब आपका लगता नहीं। और रही बात इसका जो इंजन ऑयल है उसको अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो क्वाइट एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें 2.75 लीटर इंजन ऑयल लगता है। ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में अगर आप कोई भी नॉर्मल बाइक अगर चला रहे हैं आप, एक लीटर के आसपास 1 लीटर इनफ है, लेकिन इसमें 2.75 लीटर आपका इंजन ऑयल लगता है। तो वो अगर आप परचेस करने जाएंगे तो मिनिमम 700 और मतलब 1000 के लगभग
पड़ सकता है 1000 के आसपास जी। मतलब इसका इंजन ऑयल ही अगर सर्विस में देखा जाए जी जी सबसे ज्यादा महंगा है। और ओवर एयर फिल्टर वगैरह तो कमी में आते होंगे, वो तो है, लेकिन ओवरऑल इसका पार्ट्स भी जो है सारे बाइक से मतलब क्वाइट एक्सपेंसिव है थोड़ा। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जो आपने बताया जैसे कि फर्स्ट सर्विस में मतलब और पहले साल के कोई से भी सर्विस में पैसे नहीं लगते, लेबर कॉस्टिंग जी जी, बट पार्ट्स के तो कॉस्टिंग लगते हैं जी। हाँ, पार्ट्स तो अगर आप चेंज कराना चाहते हैं, आपने कितने रुपए का जो है पहले साल में पार्ट्स इस बाइक में लगवाया था? पहले साल में पार्ट्स तो मोस्टली जब बाइक जब न्यू होती है तो पहला साल जो होता है उसमें आपका बाइक नया है, सारे पार्ट्स नए हैं, तो मोस्टली आपका पार्ट्स चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती नहीं है जी। अगर बहुत ज़्यादा रफली चल रहा है तो ब्रेक शू वगैरह जो है और डिस्क ब्रेक है वो सब जो है डिस्क का पैड होता है वो चेंज करा सकते हैं आप, तो वो सब भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल आते हैं। मतलब ज़्यादा कोई पार्ट्स में पहले साल में कोई खर्च जी जी, अगर उसके बाद अगर आप फिर सर्विस कराना चाह रहे हैं दूसरे साल तीसरे साल में तो उसमें आपका जो है क्वाइट एक्सपेंसिव हो सकता है। क्योंकि एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एक मोटा मोटा लमसम आप अमाउंट बताइए कि आपने पहले साल में कितने पैसे पार्ट्स में खर्च करे होंगे। पहले साल में पार्ट्स में एक अंदाजन आप बता सकते हैं? एक अंदाजन समझ लीजिए पार्ट्स में 800 to 1000 एक साल में, एक साल में इससे कुछ ज्यादा उससे ज्यादा नहीं जी। चलिए चलिए अब मतलब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्योंकि मतलब सारे इंडियंस के ही माइंड में होती है ये चीज स्पेशली बुलेट के रिगार्डिंग कि ये बाइक एक्चुअल माइलेज कितना देती है। एक्चुअली इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, जो बुलेट चलाते हो माइलेज का सोचते नहीं है, वो तो है पहली बात ये है, लेकिन जनरल ये है कि जब बाइक नहीं होती है बुलेट में, अभी जब जो मोस्टली बुलेट्स वगैरह हैं तो उसमें 40 की माइलेज दे रही है नई जो बाइक होती है, लेकिन अभी मेरी ये चार पाँच साल होने वाली है तो इसमें आप समझ लीजिए 30 to 35 से ज़्यादा माइलेज नहीं देगी ये। और मैक्सिमम 40। और अब जो है मैं इस बाइक के रिगार्डिंग एक चीज पूछना चाहूंगा कि इस बाइक में आपने क्या क्या अच्छी चीजें और क्या क्या बुरी चीजें जो है फील करी है इस बाइक के साथ? अच्छी चीज़ तो सारी है इसमें, बुरी चीज़ें कम है। अच्छी चीज़ें ये चलाने में अच्छी लगती है, इसका साउंड भी अच्छा है, और जब चलती है तो बहुत हल्की हो जाती है। ऐसे तो ये सबसे ज़्यादा भारी बाइक है लेकिन चलती है तो हल्की हो जाती है, मतलब एक रॉयल फीलिंग, रॉयल फीलिंग आती है, तो उसमें जो है सारी अच्छी चीज़ें हैं। और बुरी चीज़ इसमें एक ये है, मैं आपको बता देता हूँ, वो सारे व्यूअर्स जानते भी हैं, अगर ये पंक्चर हो गई तो आपको ठेलने में, इसको ठेल कर ले जाने में आपका 12 बज सकता है। अच्छा, मैंने ये भी बहुत सारे बुलेट ओनर्स से सुना है कि इस बाइक में जो एक ड्रॉबैक है वो वाइब्रेशन है, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे, आपके व्यूज क्या है इसके रिगार्डिंग? नहीं, ड्रॉबैक ऐसा कोई वाइब्रेशन तो नहीं है इसमें, मैं तो 5 साल से चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर मतलब बहुत सारे बुलेट ओनर से सुना है कि इसका हैंडल बार बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करता है और फुटपेज वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एक मतलब काफ़ी अमाउंट में वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन से जो है उसमें आपका कोई इफेक्ट नहीं आता चलाने में, मतलब राइडिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता है, स्मूथ राइडिंग है इसकी। और अगर आप बाइक चला रहे हैं तो ये बहुत हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वाइब्रेशन से आपका चलाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे, इस बाइक में आपने टॉप स्पीड जो है कितनी अचीव करी है? ऐसे तो मैं ज़्यादा स्पीड चलाता नहीं हूँ और सबको मना भी करूँगा ज़्यादा स्पीड नहीं चलाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने 110 तक इसको चलाया है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है और एक अच्छा डिसेंट सा स्पीड भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बाइक से उतर जाएं और हम करीब आगे दिखाने की कोशिश करेंगे अपने व्यूवर्स को कि आपने इस बाइक में क्या क्या चेंजेस करी। तो अब हम दिखाने जा रहे हैं कि हमारे जहीर भाई ने इस बाइक में क्या क्या चेंजेस करी है, तो जहीर भाई स्टार्ट कीजिए। ये जो आप फॉग देख रहे हैं, शॉक अब्जॉर्बर जी जी, और ये सारे जो आप इसका मडगार्ड का जो आप ग्रिल्स देख रहे हैं, ये सारे मैंने क्रोम कराए हैं। अच्छा,
अच्छा ठीक है, पहले निकल आता था ये पहले नॉर्मल कलर में आता है, ब्लैक कलर में हो या अगर सिल्वर बाइक है आपकी तो सिल्वर में हो, क्योंकि मेरा बाइक जो है पहले सिल्वर था। बुलेट पहले जब मैंने लिए था तो तीन कलर में फेमस था, एक मरून, ब्लैक एंड सिल्वर। तो मोस्टली ज़्यादातर लोग ब्लैक लेते थे या सिल्वर लेते थे। तो ये मेरा बाइक जो था जब मैंने इसको पेंट नहीं करवाया था, जब मॉडिफाई नहीं कराया था, तो ये सिल्वर कलर का था। पहले आपने सिल्वर कलर में परचेज किया। मेरा फोटो आप देख सकते हैं जी जी। तो ये मैंने सारे क्रोम कराए हैं, ये रहता है एलुमिनियम का। अच्छा। ठीक है, अभी ये लग रहा है स्टील की तरह, आप सामने करके देख सकते हैं, बिल्कुल ये लग रहा है कि ये स्टील है। और फिर यहाँ पे आप अंदर का जो इसका ड्रम है छक्के का, ये भी एलुमिनियम होता है, ये भी मैंने पूरा क्रोम कराया है, पूरा स्पोक के साथ ये क्रोम हुआ है, क्योंकि ये भी बहुत काफ़ी दिन हो गया मेरा मॉडिफाई कराए हुए, भी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, इसीलिए थोड़ा सा गंदापन लग रहा है बस। फिर आप पीछे की तरफ आएंगे तो ये बटरफ्लाई लेग गार्ड है, ये भी मैंने चेंज कराया है, ये नॉर्मल लगा कर देती है कंपनी। अच्छा, कंपनी देती नहीं, कंपनी जी जी हाँ, वहाँ पे वो लोग अलग आपको ये चार्ज करते हैं, लेकिन वो लगा कर दे देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अलग से फिर बाद में जब मॉडिफाई कराने के टाइम में मैंने ये बटरफ्लाई लेग गार्ड फिर लगाया है। और ये भी जो आप देख रहे हैं ये भी नॉर्मल लोहे का आता है, जो अभी स्टील का लग रहा है, ये भी मैंने पूरा क्रोम कराया है। अब फर्दर आप ऊपर की तरफ अगर आएंगे तो ये टाइगर हेड है, टाइगर हेड का ये जो है ये भी मेरा पूरा क्रोम कराया हुआ है। हैंडल ये मैंने नया चेंज करवाया है, ओरिजिनली है लेकिन इसको मैंने वापस से एक चेंज करा लिया है। अच्छा, और मैं देख पा रहा हूं कि आपने ये जी भी क्रोम करवाया, ये भी पूरा क्रोम हुआ है। और ये जो साइड का जो नट है जिसको गोटी भी बोलते हैं हम लोग, ये भी पूरा क्रोम हुआ है दोनों साइड का जी। और आप नीचे की तरफ आएंगे ऑयल टैंक में, तो यहाँ पे एक स्टिकर मिलता था उस वक्त में जी जी, पुराने सिर्फ डिजाइन, हाँ पुराने डिजाइन में सिर्फ रॉयल एनफील्ड स्टिकर मिलता, तो वो मैंने हटाकर इसको जो है बोल्ड में रॉयल एनफील्ड, ये भी मैट है, मैट आपको बहुत कम मिलेगा जी, मोस्टली आपको शाइनिंग मिलेगा, ये भी मैट में मैंने स्टिकर लगवाया है। अब आप नीचे की तरफ इंजन की तरफ आएंगे तो ये होता है बेसिकली एल्युमिनियम का, जो हल्का डल में आपको हमेशा, अगर आप नया बाइक भी खरीदेंगे तो आपको इस तरह का शाइनिंग बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी। आप अभी देख सकते हैं कि इसमें आप चेहरा भी आप देख सकते हैं अपना। और फिर पीछे की तरफ ये बैटरी का जो कवर है ये भी मैंने क्रोम करवाया है। ये तो पेंटेड आता है ना? ये पेंटेड आता है, सिल्वर है तो सिल्वर में और ब्लैक अगर आपका है तो ब्लैक में, ये मैंने क्रोम करवाया इसको भी। ये साइड बॉक्स जो है, साइड बॉक्स के अंदर होता है मेनली इसका जो आईसी वगैरह रहता है वो रहता है इसके अंदर में, फ्यूज रहता है, तो इसमें भी कोई स्टिकर नहीं होता, ये भी स्टिकर मैंने लगवाया है ऊपर से, ये भी आफ्टर मार्केट मैंने लगवाया है। और फिर आप फर्दर पीछे व्हील की तरफ आएंगे तो ये भी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, क्योंकि ये भी क्रोम हुआ है पूरा, रिम के साथ स्पोक और ड्रम सारे तीनों चीज़ पूरा क्रोम हुआ है, जिसकी वजह से इसका शाइनिंग, अभी थोड़ा सा डस्ट है जिसकी वजह से गंदा लग रहा है थोड़ा, बाकी ये पूरा शाइनिंग है, भी मैंने क्रोम करवाया पूरा, जिसकी वजह से ये स्टील की तरह चमक रहा है। और ये जो है टेल लाइट जो होता है ये भी ब्लैक कलर का होता है, पेंटेड आता है, ये भी क्रोम कराया हुआ है, जिसकी वजह से ये भी बिल्कुल शाइनिंग लग रहा है और चमक रहा है। बुलेट में एक छोटी सी ख़राबी ये होती है कि जो इसका बैक रेस्ट जो होता है, जो ओरिजिनल जो साथ में आता है वो ब्लैक कलर का होता है और छोटा होता है, अगर पीछे कोई बैठ रहा है तो क्या होता है तो मतलब काफी बेंड हो जाता है मोस्टली, जो है कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में बेंड हो जाता है, लेकिन ये मैंने फिर चेंज करवाया है मार्केट से। हाँ, बैक रेस्ट के साथ आ रहा है, इसमें आप आराम से अगर मतलब ट्रिपल सीट भी अगर बैठ रहे हैं तो आराम से वो, ये करना नहीं चाहिए ट्रिपलिंग, बट हाँ, बट फिर भी अगर आप हाँ, लोग ट्रिपलिंग हाँ, करते हैं तो ये एक, अगर टू व्हीलर मतलब दो आदमी भी अगर बैठे हुए हैं तो उनके लिए भी बहुत ही आराम है, और वो अपने आराम से बैक रेस्ट लेके बैठ सकते हैं, काफी मजबूत होता है मेरे ख्याल में, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और कुछ अगर आप इसमें हमें बताना चाहें हमारे, आप इस साइड के भी इंजन का जो पार्ट है जी ये भी आप इधर पे देख सकते हैं, क्योंकि इस साइड में भी मैंने ये जो हिस्सा होता है ये भी कलर में आता है, पेंटेड आता है, ये भी क्रोम हुआ है। और ये जो है यहाँ का इंजन का जो इस साइड का पार्ट है ये भी आप देख सकते हैं, ये भी पूरा क्रोम हुआ है। एक चीज़ में और ख़ासियत ये है कि यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कुछ बाना हुआ है जी, ठीक है, क्या ये एक रिले आता है जो हॉर्न से कनेक्टेड है। अच्छा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप जब हॉर्न यूज़ करेंगे, अगर आप काफ़ी टाइम तक भी हॉर्न प्रेस करके रखेंगे तो अपना बटन उसका हॉट होगा, गर्म होगा, और इसका साउंड जो है वो एक अलग पावर में बजता है। अच्छा,
अच्छा, तो आप प्लीज एक बार प्ले करके दिखाइए। मैंने आपको क्रोम तो सारा बता दिया कि जो जो निकल हुआ है वो आपने देख लिया है। इसका जो मेन पार्ट है जो मैंने पेंट करवाया है मार्केट में ग्रीन कलर का, और ये ना आर्मी ग्रीन है ना बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन है ना मिडिल है, ये आपको डार्क ग्रीन लग रहा होगा क्योंकि ये मैंने पर्टिकुलरली कस्टमाइज करा के ये ग्रीन मैंने बनवा कर, मतलब इस कलर को आपने बनवाया था। बनवा कर ये ग्रीन मैंने करवाया है जिसकी वजह से इसका कलर बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है और ये कलर आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये एक तरीके से मैं बोलूं तो ये एक यूनिक सा कलर आपने इसको आफ्टरमार्केट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा जी, तो वो जो है मेरा क्वेश्चन पर्सनली ये है कि इस बाइक को आप रेकमेंड करते हैं या नहीं? अगर मतलब मान लीजिए कि हमारे व्यूवर्स इस बाइक को लेने के लिए कंफ्यूज्ड है और वो ये सोच रहे हैं कि बुलेट लूँ, या अभी इसके और कंपटीशन में एक जावा आ चुका है, जावा 42, और बहुत सारे जावा के भी मॉडल्स आ चुके हैं जैसा कि हम सभी को पता है, तो क्या आप जावा के ओवर इस बाइक को रिकमेंड करते हैं एज अ ओनर? मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रॉयल एनफील्ड ज़रूर लें क्योंकि इसके ऊपर कोई बाइक नहीं है। रॉयल एनफील्ड का मतलब ही है रॉयल्टी, बस यही एक आंसर इसका जो है, इसके अबव कुछ नहीं। तो अब सो गाइज, ये था मेरे तरफ से जहीर भाई के एक यूनिक बुलेट का एक फुल डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू और क्या क्या चेंजेस हमारे जहीर भाई ने इस बाइक में करे हैं वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करी इन्होंने। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और साथ ही साथ बुलेट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हो। ये गाइज़ ये एक बुलेट एक स्पेशल बुलेट है और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बाइक का एक ओनरशिप रिव्यू आप लोगों के लिए बनना बहुत ही ज़रूरी है। सो जहीर भाई, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो हमारे चैनल में आकर के, और बहुत बहुत थैंक यू भी आपका अपना एक ओनरशिप रिव्यू शेयर करने के लिए। सो गाइज़, ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए मेरे चैनल रेवन राइड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल रेवन राइड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए लिव फ्री, राइड हार्ड एंड ऑलवेज गियर अप।